निकाल खा रही है एक चिकन का मुर्गी कोंबड़ी क्या पैसे आपने दिए अपने बीची ये आ गया अपना खाना आ गया लेमन तुम्हाला साफ करायला लागते थोडे हां लेमन साफ करायला लागते आधी हां साफ कर लेकिन सुटे पैसे त्यांच्याकडे नव्हते तर तुम्हाला अर्जंट होतं म्हणून आणलं आता थोड्या वेळ जाणार आहे आपल्याला ठीक आहे थोडे बाद थँक्यू भाऊ ये जो लिंबू है ना ये मस्त खेतों वाला फ्रेश वाला है गावटी गावटी ये अच्छा नेचर वाला ये जो है ये अभी हमारा चाय का इंतजाम हो चुका है ब्रेड रेड अगर कभी किसी को भूख लग जाए एक्स्ट्रा भूख ना तो एक्स्ट्रा भूख मिटाने के लिए ये है वैसे अभी हमें खाना खाने वाली भूख लगी है बहुत ज्यादा अभी फोन करके हमने ऑर्डर कर दिया है और एक घंटा लगेगा खाना आने में तब तक हम क्या करेंगे यहाँ बाजू में कुछ दिखता है तब तक हम क्या करेंगे दोस्त पूल पार्टी पूल में पैसा वसूल करेंगे और क्या पूल में उठेंगे जिसको भी हुआ वहाँ खाट लगी है जाके खाट में जाके लेट जाओ राम लेट हो जाओ सन बात और जब तक बारिश नहीं आती है जब तक हम मजे लेंगे पार्टी बारिश हुई फिर भी मजा आएगा पूल में अरे बारिश हुई तो और ज्यादा मजा आएगा हाँ बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि अभी बारिश आए ठंडी लगती है नहीं भाई मौसम गर्म हो चुका है अंदर से गर्मी लग रही है सवाल था बोलो दर्शक बरीज भाई मिले नहीं क्या क्या हालचाल है उनके आप फिर बताए बरीज अभी रशिया में है अच्छा वो आएगा तो फिर मैं बात करवाता हूँ तुमसे मुंबई इसके लिए यहाँ MSK मुंबई वाला मुंबई का छोरा रशिया में घूमने गया था वहाँ घूम गया हाँ भैया रेडी 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 टू रॉक आखिरी तक रेडी चलो फिर हम भी रेडी हैं ये है पूल पानी तो साफ ही लग रहा है चल शफीक मार जंप ए रुक जा ज्यादा जोर से मत मारना ज्यादा गहराई नहीं है सिर्फ 4 फीट का है ये जंप मत मारो क्या निकालना है तेरे को अरे आ जा रे ओह यहाँ पर ये भी है भाई ये ले गया बॉल भी है फुल इंतजाम है एंटरटेनमेंट का आज सब बच्चे बन जाओ अब मजा आया सब बच्चे पता नहीं कितना गहरा कितना नहीं पता नहीं अपने को सही सही है ले तुम भी जम मार लो इसके ऊपर ही चल ओके अरे पूरा पानी बाहर आ गया यार पानी थोड़ा सा ठंडा है लेकिन एक बार अंदर जाएंगे तो फिर ठंडा नहीं लगेगा मजा आएगा जाओ करो जी रिव्यू तो थोड़ा सा तो ढाई मारा था बनता है ढाई मारे पानी ठंडा है मेरे को याद है कि अपने अंडमान वाले दिन क्या बोलता है बाकी बाकी सब बढ़िया है अपना वीकेंड अच्छे से जाना चाहिए बस वीकेंड नहीं ये वीकडेज है वीकेंड में बहुत महंगा हो जाता है सबको पानी के अंदर जाके ऐसा करना है ओके 1 2 3 शहर में आने के बाद ना लोगों का नाम चेंज होता है हाँ। मुंबई में स्विमिंग पूल हो गया सिटी में हाँ। गांव में इसको टुब्बिल बोलते हैं टुब्बिल हाँ तो लोग बोलते चलो पोखरे में नहा के आते हैं हाँ। उसमें हम भी वही ऐसा करते थे और ऐसा करके पागल ये हमारे बंगाल में भी ना इसको जो तालाब होता है उसको पोखर बोलते हैं हाँ। चाहे लाइफ में आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ अपने सबके अंदर एक बच्चा होता है जो वो कितना भी बूढ़ा हो जाए उसके अंदर वो कहीं ना कहीं जिंदा रहता है तो कभी कभी अगर ऐसा मौका मिले तो अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकाल लो तो सब लोगों ने अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया है और सब मतलब और ये जो प्रॉपर्टी है मतलब ये पूरा का पूरा बंगलो हमने ले लिया है एक दिन के लिए और एक रात के लिए तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है फुल प्राइवेसी है यहाँ पर ठीक है फिर हमें अबे तेरी माँ के पीछे अरे मेरे को लगा कोई ऐसे पीछे से क्या कर रहा है चलो हम एंजॉय करते हैं थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर इसके बाद हम जाएंगे बीच साइड में और यहाँ से बीच काफी पास है तो बीच का भी मजा लेके आएंगे ऐसे ही जाएंगे बिना चेंज
क्या मदहोशी तेरे अंदर छाई है? रुक जा वो आ रे हट जा वहां से, आ रिया हट जा, ये मदहोशी वाला कुछ दिखाने वाला है। हाँ भाई क्या दिखाना? तुम्हें गोली मारेगा, मार डिस्की है। उसकी जैसी एक्टिंग थी यार, क्या मरने की एक्टिंग की, क्या एक्टिंग की है? अंधेरा क्यों है? प्लेट्स निकाल, प्लेट्स, बड़े बड़े प्लेट्स, तो कुछ चने भी ले गए और क्या, स्पून, हाँ चम्मच ले गए। आ जा तो लेके आ, पूल में मजा आया। अब खाना खाएंगे तो और मजा आएगा। बहुत ज्यादा भूख लगी है स्विमिंग पूल से निकलने के बाद, क्योंकि बहुत मस्ती की है, सारा शरीर चूर चूर हो गया है। जब तक खाना नहीं जाएगा तो आगे की मस्ती कंटिन्यू नहीं होगी। तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, तो हमारा खाना हमारे सामने आ चुका है। हमने जो ऑर्डर किया था आप देख लें, चार लोग के हिसाब से हमने कुछ ज्यादा ही खाना ऑर्डर कर दिया है। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, हमने जोश जोश में ज्यादा मंगा लिया। और ऐसे ही होता है जब भूख लगती है ना, तो हम ये देखते नहीं है कि भाई कितना खाना खा रहे हैं, ऑर्डर कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि ज्यादा ऐसे लग रहा है, क्योंकि ना हमने वेज और नॉन वेज मिक्स किया है, तो वो सबसे ज्यादा लग रहा है। बच जाएगा तो बाद में हम खा सकते हैं यहाँ पर गर्म करके, क्योंकि घर तो अपना ही है एक दिन के लिए। निकल निकल भरो जी, आ जाओ। हमने मछली भी ऑर्डर की है, सुरमई। ये सुरमई नहीं रही तो चूड़ा है, सूप वाला। गरम गरम होगा सब, आराम आराम से निकाल सब, पहले तो सजा दे, निकाल के सब सजा दे, बाद में देखेंगे क्या है। मैं कितने साल ने ऑर्डर किए हैं, बारह तरह का, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः सात पाँच, ये बॉक्स है, दो राइस हो गया मतलब सात आठ। अरे निकाल, खा रही है, भूख लग रही है। तो फिर हम लोग बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, अभी खा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। खाना खाने के बाद प्लान ये कि थोड़ा टहलने के लिए जाएंगे बीच के पास, और बीच यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। बुक करने से पहले सब चीज़ का ध्यान रखा गया है, स्विमिंग पूल का ध्यान रखा गया है, प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है, पार्किंग का ध्यान रखा गया है, लोकेशन का ध्यान रखा गया है, बीच का ध्यान रखा गया है, सब कुछ ध्यान रखा गया है। नज़दीक भी होना चाहिए, फुल ऑन एकदम। अभी ये काम में इतना माहिर हो गए ना हम कि क्या बताएं। कभी कभी थोड़ा सा ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस हो जाता है जब कोई होटल वोटल ढूंढते हैं, फोटो में कुछ अलग होता है, रियल में कुछ अलग होता है। वैसे ये प्रॉपर्टी फोटो में कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, रियल में मतलब 10 out of 6 डील डन करो। देखो जी, खा के हो गया, दबा के खाया, मज़ा आया। अभी हमें करनी है रात की तैयारी, रात को होगा यहाँ पर बारबेक्यू सेशन। बारबेक्यू सेशन के लिए ये वसंत है, वसंत हमारी हेल्प करेंगे, ये हमने उनको बना के दे दिया है। हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा। वसंत ये क्या है? अमूल 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 दही 500 ग्राम, ठीक है। एक चिकन का मुर्गी कोमड़ी और पनीर 250 ग्राम, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है अभी रात का इंतजाम। हमें जाना था बीच के साइड, बीच साइड अभी बारिश होने की वजह से हम बंद हो गया बारिश अगर बंद हो गया तो अभी चलते हैं। और हमने यहाँ पर बैट और बॉल किधर है हमारा? बॉल वो साइड, मेरा बैट, मेरी पहली बैटिंग। अपने अंदर का जितना भी बचपन है ना सब बाहर आ रहा है। अभी हम खेलेंगे यहाँ पर क्रिकेट। ले मेरी बॉल, ऐसा गुगली दूंगा ना मैं, अंडर आर्म में। जिंदा लाना है क्या मुर्गी? मुर्गी जिंदा नहीं लाना है। अरे काट मतलब आपने मुर्गी लिखा है ना मुर्गी को अक्की मुर्गी कटाना है, अक्की मुर्गी को हलाल करके ला, ठीक है। हलाल चिकन मिलेगा ना यहाँ पर? ठीक है मुर्गी लेके आता है, चलते ये लो आपने मुर्गी मांगा था, ये लो मुर्गी लो हम लोग उसको पालते हैं यहाँ पर। क्या कार्यक्रम बनता है आपको थोड़ी देर में बताते हैं। मैच खेलेंगे या बीच के पास जाएंगे, दोनों में से ऑप्शन। बारिश हुई तो हम स्विमिंग पूल में जाएंगे। हाँ यार ये भी है, बताते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने यहाँ पर क्रिकेट खेला। ये हमारा पिच था, शफिंग वहाँ से बॉल देख बाउंसर मार मार के, बाउंसर तो मार ही नहीं पा रहा था। तो काफी अच्छा हमने यहाँ पर कवर शॉट दिया, ग्लांस दिया, देन स्वीप शॉट मारे। एक टाइम था जब हम ये सब शॉट्स के प्रैक्टिस किया। एक दिन मैच खेलना चाहिए क्रिकेट पे। चलो क्रिकेट हमारी पुरानी प्रेमिका है। प्रेमिका? हाँ एक टाइम क्रिकेट से इतना ज्यादा प्रेम था। लगाओ लगाओ। हाँ वही वही। चलो तो ये हमारा रिजॉर्ट, यहाँ से होके जगह जाता है। ये हमारी गाड़ी पार्क है, अब यहाँ से निकलेगा। पीछे हमारा विला और यहाँ से समंदर दिख रहा है। चलो फिर, अरब दिख रहा है यार, बेन सी है। अच्छा हो तेरा जनरल नॉलेज। ये यहाँ पर हमें एक बावड़ी दिखा है, क्या कह रहे हो, मछली दिखी तुमको? हाँ मछली दिखी भाई, वो भी झुंड में थी बहुत सारी। यहाँ से एक व्यू दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है तेरे को? पत्ते को दिख रहा है सामने, वो पत्ते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है चिड़िया जो है। ये जो तो अजीब अजीब चीजें देखता है ना, पत्तों में चिड़िया प्यार कर रही है, या अपने फोन में। समझ गया तेरी बात को भाई। नहीं नहीं ब्रो सुन, तू क्या किया तूने, पेट्रोल पिया था? नहीं
सा ऑयल ऑयल है, मेरे को लगता है कि वो जो जेटी वेटी है ना वहाँ से उसका जो ऑयल बिल चलता है वो लीक हो रहेगा। बीच बहुत आइसोलेटेड है, यहाँ पर कोई है ही नहीं, बट बीच थोड़ा सा गंदा है। अगर हम मुंबई के बीच से कंपेयर करें तो बढ़िया है। नहीं एक्चुअली गंदा ये क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑयल थोड़ा काला काला लग रहा है तो गंदा लग रहा है। नहीं ज़्यादा कचरा नहीं होता, अच्छा है, बढ़िया है यार, ये अपना बीच है, पैसे अपने दिए है, अपना बीच ही है, कोई है नहीं इसलिए हमने प्राइवेट लिया है, सबको भगा दिया। हमारा बीच कोई नहीं है यहाँ पर। फेरी से आए थे तब चल रहा था हाई टाइड, और हाई टाइड ने हमें इतना हाई कर दिया था। अभी लो टाइड चल रहा है तो समंदर काफी पीछे जा चुका है। क्या हो गया, तो ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ देते रहे। शफीक हमें कह रहा है कि कुछ करतब दिखाएगा, दिखा भाई। कितने सालों बाद किया मैंने ये, पहले हम आते थे तो बीचेस पे ये सब खेलते थे कबड्डी वबड्डी, आज कितने सालों बाद मैंने करा, पैर पे गया। जिंदगी में अरे रुको थोड़ा सा रुको रे, वो बात करेंगे, आवाज नहीं आएगा। ये वाटरप्रूफ तो है ना, पता चलेगा साथ में, क्योंकि हीरो 9 वाटरप्रूफ ही है ना, जो होगा देख लेते हैं। चलो ये अदरक अदरक लहसुन पेस्ट पैकेट, ठीक है।